नाज़रीन आप देख सकते हैं। तो आज हम मौजूद हैं लांडी नंबर एक हीरो पकवान के अपोजिट पे ये मौजूद है स्टॉल, आप देख सकते हैं। इसके बड़ा यूनिक टेस्ट है इसका, हमने इसकी तारीफ बहुत ज़्यादा ही सुनी है और आज हम यहाँ पर पहुँच गए फाइनली। तो ये पान का बताया जा रहा है मिल्कशेक, ये भाई तैयार कर रहे हैं, देख सकते हैं इसका फ्रंट और ये इसका रोड है, यहाँ से यहाँ तक इसका रोड जा रहा है। देखिए पान को किस तरह ग्रहण किया जाएगा, ये स्टार्टअप है इसका। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। तो ये देखें साजिद भाई किस तरह पान को पेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल लाइव आपके सामने दिखाऊंगा मैं। ये पान कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप? सैलून, सैलून पान यूज़ किया जा रहा है भाई। ये मेरा गिलास यहाँ पे मौजूद है, इसको हमने फ़िलहाल वेटिंग पे रख दिया। गुलाब का पेस्ट है ये जो हम पान में डाल के ना इसको पेस्ट करते हैं, ये अरके गुलाब डाल लें इसमें आप। ये वो फ्लेवर है जो इनका अपना बनाया हुआ है, किसी की रेसिपी नहीं है, अपनी रेसिपी इनकी है। मसाले ऐड करोगे इसमें आप? अब मसाले ऐड होंगे? नहीं नहीं ये आपके सामने पेस्ट में इसके अंदर डालूंगा, मैं बना के रखता हूँ। ठीक है, जो आपकी अपनी प्रोडक्ट है ये पान का पेस्ट तैयार। अच्छा, कितना टाइम लगा इस चीज़ को बनाने में? अंदर 6 से 8 महीने लगे हैं इसको तैयार करने में। इसको ये फिर लोगों को टेस्ट करवाया होगा पहले, फीडबैक क्या मिला? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त फीडबैक। चलो अल्लाह आपको कामयाब करे यार, बस दुआ है। और एक अलग ही इसका जायका है जो मिल्क शेक से बहुत मुनफरद है, बहुत अलग है टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, हम लोगों ने भी ट्राई किया है, आपको बहुत पसंद आएगा। ये बनाने का तरीका आपको दिखाया जा रहा है, देखें इस तरह ये ग्राइंडर किया जाता है। ऑलपर्स में बनता है क्योंकि ऑलपर्स का दूध फुल क्रीमी होता है। ठीक है, और ये जो आप डाल रहे हो क्या? सोडा। ठीक है, ये आइसक्रीम सोडा फ्लेवर है शायद, फ्लेवर ही है? जी जी फ्लेवर आइसक्रीम सोडा। ये आ गया मिल्क पाउडर। ठीक है, ये आ गई चीनी। और ये क्या डाल रहे हैं आप? ये पान का पेस्ट बनाया हुआ हमने। ठीक है, असल चीज़ यही है, असल यही है पान का टेस्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं नाज़रीन किस तरह डाला जा रहा है। टोटल आपने इसमें 5 से 6 चीज़ें ऐड करी है। ये मिल्क फ्लेवर है, ये ठंडक बचाता है, ठंडक के लिए डालते हैं। सही। ये कोकोनट खोपरा है। ठीक है, खोपरा है ये। ये हरी पिसी हुई सौंफ है ये। ठीक है, हरी सौंफ है ये। और ये गुलकन है, गुलाब की पत्तियों से तैयार किया हुआ। ठीक है, ये सेम गुलकन ही है समझो जो पान में हमने अपना खुद तैयार किया हुआ, मार्केट का नहीं है। ठीक है, अपना प्रोडक्ट है आपका ये। अब देख सकते हैं आप ये किस तरह इसको ग्राइंडर किया जा रहा है। एक बात कर देना। अच्छा, ये आम से पान का क्या ताल्लुक है?
आम से पान का डाल लीजिए कि हम इसमें एक तो पान मिल्क केक बना रहे हैं, दूसरा हम इसी में जो है ना मैंगो पान मिल्क केक बना रहे हैं। मैंगो जूस तो आपने बहुत मतलब वो चॉइस के ऊपर है जी, तो इसमें आप मैंगो पान मिल्क केक में आपको मैंगो का भी टेस्ट आएगा और पान मिल्क केक का भी टेस्ट आएगा। ये एक मुनफरद चीज़ है और एक अलग ही यूनिक है, बिल्कुल पाकिस्तान में पहली दफ़ा। बिल्कुल आपकी हम लोग भी आपकी वीडियो देख कर आए हैं, माशाल्लाह बहुत ही फेमस जा रहे हैं आप। पान का पेस्ट डाला है, पान का पेस्ट मैं भी आपको दिखा दूँगा कैसे बनाना है। अच्छा कितने टाइम तक ये इसमें ग्लेंड होता रहेगा? तकरीबन 1 से 2 मिनट जब तक लगते हैं, ये पूरा क्रश ना हो जाए, बिल्कुल पेस्ट ना बन जाए। अच्छा ये रेट वगैरह के हिसाब से बताओगे क्या प्राइस है? हम हमने प्राइस रखा है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये। 100 रुपये लोग आके यहाँ यही कह रहे हैं कि आपने 100 रुपये बहुत कम रखे हैं। ठीक है, कम ये गिलास 300 से 400 रुपये का होना चाहिए कम से कम, हमने फिर भी 100 रुपये रखे हैं कम से कम। यार देखो मार्केट प्लेस के साथ बहुत अच्छे रेट हैं अभी, क्योंकि हर तरह कैटेगरी के लोग आते हैं, क्योंकि जो इसमें आइटम डल रहे हैं और जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं वो बहुत महंगे हैं, महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल सैलून 5000-4000 रुपये किलो। डाला जा रहा है इसके अंदर भरपूर तरीके से। अच्छा पान शेक के नाम से ही फेमस है आपने, ये नाम ही पान शेक रहा था। फिलहाल आपके लांडी पुरंगे कोई नहीं है इस हवाले से, आप ही पूरे पाकिस्तान। तो आइडिया कैसे है आपको ये? देख लो भाई लजीज पान शेक बना जा रहा है। नाज़रीन देख सकते हैं हमारे हाथ में ये आ चुका है, ये डैनियल है और ये पान शॉप है, तो ये रहा फाइनली हमारा जो